मैं प्रशांत राव, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, बीएससी पार्ट थर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए गेहूं का आर्थिक महत्व के संदर्भ में आज चर्चा करेंगे हम लोग। हमने पिछले वीडियो में, और मैंने पीडीएफ भी आपको सेंड किया था, उसके संदर्भ में हमने गेहूं के वानस्पतिक लक्षणों के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से गेहूं के वानस्पतिक लक्षणों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि एक वर्षीय शाख है, ऊर्ध्व बेलनाकार और खोखला पर्व है, पर्व संधि ठोस है, ऐसा इसका तना है, और साथ ही साथ जो पर्व संधि से ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें टीलस कहा जाता है, और इस प्रकार के शाखन को तल शाखन कहा जाता है। जड़ इसकी अपस्थानिक जड़ है, जो कि मोनोकोट्स यानी एक बीजपत्री पादपों की विशेषता होती है। साथ ही साथ इसके जो अगर पुष्प की बात करें तो पुष्प इन्फ्लोरेसेंसेस का स्पाइकिका है, और पूर्ण है, चक्रीय है, एक व्यास सम्मित है, जो कि एक रैकिला नामक अक्ष पर लगे होते हैं। प्रत्येक पुष्प में स्वयं के पेलिया और लेमा नामक संरचना पाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक बीजपत्री पादपों में जो भाई दल और दलों का स्पष्ट विभेदन नहीं उतना नहीं होता एक बीजपत्री पादपों में, इसलिए हम इसको परिदल पुंज के नाम से ज़्यादा जानते हैं। फल इसका कैरियोप्सिस है, इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम जो बात करेंगे वो इसकी मृदा एवं जलवायु के संदर्भ में है कि दोमट मिट्टी गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। हमारे राजस्थान में मुख्यतः पूर्वी जो राजस्थान हिस्सा है वहाँ दोमट, लाल दोमट, भूरी दोमट, इस प्रकार की मृदा की अधिकता है, तो यहाँ गेहूं की खेती अच्छी होती है। साथ ही साथ यहाँ जहाँ सिंचाई वाले क्षेत्र हैं जैसे श्रीगंगानगर, उत्तरी राजस्थान, यहाँ भी गेहूं की खेती अच्छे से होती है। एनपीके यानी क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रांतिक तत्व जिन्हें हम कहते हैं, मृदा में इनका होना बहुत ज़रूरी है। शरद गेहूं और बसंत गेहूं के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी उन्नत किस्मों के बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं इसमें होने वाली बीमारियों के संदर्भ में। दरअसल यदि हम देखें तो कई तरह की बीमारियां गेहूं में होती हैं, जिनमें मुख्यतः रस्ट डिजीज़, ब्लैक रस्ट, स्ट्रिप रस्ट, लीफ रस्ट, इनके पैथोजन है। जैसे सबसे ज़्यादा जो प्रमुखता से हमारे भारत में जो रोग होता है वो उत्तरी भारत में जो गेहूं के क्षेत्र है वहाँ इस रोग की अधिकता है, ब्लैक रस्ट। और ब्लैक रस्ट काला किट इसको हिंदी में कहा जाता है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई नामक एक पैथोजन के कारण ये रोग होता है, कवक के कारण ये रोग होता है। और इसी प्रकार के स्मट डिजीज़ भी इसमें बहुत होती हैं, जिसमें लूज स्मट बहुत प्रमुखतया से है भारत में बीमारी होती है। लूज स्मट में अस्टिलेगो ट्रिटिसाई, लीफ ब्लाइट रोग में अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना, ठीक है, मोलिया डिजीज़ बोलते हैं इसको एक्चुअली में, हेटेरोडेरा नेमेटोडा एक है जीव, उसके कारण होता है। ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको पीडीएफ में भेजा है। इनके उपचार में यदि हम देखें तो कवकनाशी एक जैनब नाम से डाइथाइन M45 नाम का एक रसायन है, ऑक्सीकार्बोक्सिन का छिड़काव करना इसमें कारगर होता है। बीजों को एग्रोसन जीएन द्वारा उपचारित कर यदि बोया जाए तो ये रोग नहीं होते हैं। बीजों को सौर या गर्म जल से उपचारित करें तो ये रोग नहीं होते हैं। वैसे रोग प्रतिरोधी किस्मों का भी विकास किया गया है, खासतौर पर हमारे जो पूसा जो दिल्ली में जो क्षेत्र है और कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर रोग प्रतिरोधक किस्मों का उगाया गया, जिनमें दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में भी काफ़ी गेहूं की रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास किया गया है। वैसे रोग ग्रस्त पौधों को यदि समय पर उखाड़ के हटा दिया जाए तो भी रोगों से बचाव हो सकता है। वैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपचार है और वो जनरली काफ़ी इसके क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र के बारे में, वैसे मैं इसके बारे में अलग से तो मैं बताऊंगा सब लोगों को आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ यहाँ पर। दरअसल हम लोग करते यह हैं कि हर साल एक ही प्रकार की फसल बोने पर मृदा में नंबर वन तत्वों की, उस प्रकार के तत्वों की कमी हो जाती है, तो साल दर साल जो उत्पादन है उस पर गिरावट आती है। साथ ही साथ वहाँ जो इस प्रकार के जो पैथोजन होते हैं उन्हें पनपने का मौका मिल जाता है, और जब हम 2-3 साल तक लगातार एक ही फसल को उगाते हैं तो वो रोगजनक बहुत तेज़ी के साथ उस फसल को प्रभावित करते हैं। तो इससे ही बचने के लिए यदि हम फसल को बदल बदल कर बोएं, जैसे उदाहरण के लिए यदि हम
एक बार गेहूं बोया है, दूसरी बार हम फसल को चेंज करके हम सरसों बोए हैं। इस प्रकार का यदि हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं तो हम रोगों से भी बचाव होता है, साथ ही साथ फसल के जो उत्पादन है उसमें भी सुधार आता है। यदि हम बात करते हैं कल्टीवेशन की और इसका जो कृषि है इसके संदर्भ में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है गेहूं की खेती किस प्रकार से होती है। पहले बुआई होती है, बुआई अक्टूबर माह के मध्य से नवंबर माह के मध्य तक की जाती है। कुछ क्षेत्रों में ये कार्य सितंबर के अंत में प्रारंभ हो जाता है। बुआई से पूर्व खेत को 2-3 बार जोता जाता है, फिर ज़मीन को समतल कर सिंचाई की जाती है। बीजों को कवकनाशी और कीटनाशी से उपचारित किया जाता है, इनको छिड़काव विधि से सीड ड्रिलिंग विधि से इन्हें बोया जाता है और पुनः ज़मीन को समतल कर लिया जाता है। गेहूं की खेती में सिंचाई का बड़ा महत्व है और खाद का भी बड़ा महत्व है। फसल को 3-4 बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि सिंचाई में थोड़ी भी कमी रह जाती है तो बीज छोटे होते हैं, अच्छी गुणवत्ता की फसल हमें प्राप्त नहीं होती, उत्पादन में भी कमी आती है। सिंचाई का यह है कि पहली बुआई के पश्चात 3-4 सप्ताह पश्चात ही सिंचाई होनी चाहिए। उसके पश्चात समय समय पर निराई जिसको बोलते हैं, यानी अनावश्यक खरपतवार को हटाया जाता है। खाद के रूप में हम ज़्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त खाद का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और कटाई का यह है कि दानों को पकने पर तथा पत्तियां जब पूरी तरह से पीली पड़ जाएं, फसल लगभग सूखने के कगार पर आ जाए, तब हम दराती या आजकल तो अच्छी अच्छी मशीनें भी हैं उनके माध्यम से कटाई हार्वेस्टिंग की जाती है। बालियों को दानों से पृथक करने की क्रिया को थ्रेसिंग बोलते हैं। स्टोरेज किया जाता है दानों का और बीजों का। और सबसे बड़ी बात, गेहूं का जो स्टोरेज होता है वो सूखे और ऐसे स्थानों पे किया जाता है जहां नमी ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि जरा सी भी नमी होगी तो बीज ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद दानों को पीस कर सफ़ेद चूर्ण जैसा आटा प्राप्त करने की विधि को मिलिंग कहा जाता है। अब मैंने इसके बारे में चर्चा की थी आपसे कि इसमें कई सारे अच्छी फसलें हैं, जैसे मैं आपके जैसे शरबती सोनारा, छोटी लरमा, सोनालिका, शेरा, और राजस्थान में मुख्यतः कल्याण सोना, सोनालिका, इस प्रकार की फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। इसके यूजेस के बारे में आप सभी लोगों को पता ही है कि आटा बनता है, मैदा बनता है, और उसके हम कितने सारे यूजेस करते हैं। यह आपको मैं असाइनमेंट में एक तरह से दूंगा कि इसके क्या क्या यूज़ आप लोगों को याद है, वो सब असाइनमेंट में दूंगा मैं आप।